नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे नाकाबंदी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नाकाबंदी सन 1990 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, श्रीदेवी, चंकी पांडे, सोनम, सदाशिव अमरपुरकर, अनुपम खेर, राकेश बेदी, मनिक ईरानी, सत्येंद्र कपूर, यूनुस परवेज और अमरीश पुरी नजर आए थे। इस फिल्म को शिवू मित्रा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था एमपी जैन ने और इस फिल्म की कहानी रीमा राकेश नाथ ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग चरण दास चौक ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 175 स्क्रीन के साथ 4 मई सन 1990 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,53,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3,12,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 10,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 90,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 4,20,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1990 की 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वही बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे, आज के लिरिक्स अनजान ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे, आज के सभी गाने हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते। नंबर 1, ये फिल्म डायरेक्टर शिवू मित्रा और श्रीदेवी की साथ में एकमात्र फिल्म थी। नंबर 2, इस फिल्म में एक सीन था जिसमें श्रीदेवी सदाशिव अमरपुरकर के साथ फ्लर्ट करते रहती है। इस सीन में धर्मेंद्र को कोने में बैठकर चुपचाप दोनों को सिर्फ देखना था, लेकिन धर्मेंद्र को वो सीन ठीक से याद नहीं था और उन्होंने जाकर सदाशिव अमरपुरकर को एक मुक्का मार दिया था, जिसे देखकर वहां के बाकी क्रू मेंबर्स ताली बजाने लगे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि ये शूटिंग का हिस्सा है। फिर बाद में डायरेक्टर शिवू मित्रा ने धर्मेंद्र को बताया कि ये सीन में मुक्का नहीं मारना है बल्कि उन्हें बस चुपचाप दोनों को देखना है। फिर धर्मेंद्र को अपनी उस गलती के लिए बहुत बुरा लगा था और उन्होंने सदाशिव अमरपुरकर से 3 बार माफी मांगी थी। नंबर 3, ये फिल्म श्रीदेवी और सोनम की साथ में एकमात्र फिल्म थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।